आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन यही लाइन जो थ्री डी जोमेट्री में स्ट्रेट लाइन है उसके कॉन्सेप्ट पे uh, आपको बोला है शो दैट द पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर The points with position vector two i plus three j, sorry, minus two i plus three j, i plus two j plus three k, i plus two j plus. के एंड सेवन आई प्लस नाइन के ठीक है ना यह क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपको बोला शो दर द पॉइंट्स विथ पोजिशन वैक्टर दिस दिस एंड दिस है ना आपको तीन रैंडमली राण, पॉइंट दिए हुए हैं इस पॉइंट की पोजिशन वैक्टर आपको ये बताई है इस पॉइंट की पोजिशन ये बताई है और इस पॉइंट की पोजिशन आपको ये बताई हुई है आपको प्रूव करना है कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं दे आर वॉट कोलिनिया कोलिनिया का मतलब सब समझते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन हमें मालूम है दो पॉइंट से तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है लेकिन अगर तीन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करे तो हम उन तीन पॉइंट्स को एक नाम से जानते हैं जो कि है कोलिनियर ठीक है ना तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो तीन पॉइंट है ये कोलिनियर हैं अब देखिए कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं पहली अप्रोच तो ये है कि मैं आ, कोई भी दो पॉइंट लेके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालूं और उसमें ये तीसरी पॉइंट को पुट कर दूँ है ना इलेवेंथ में भी हम ऐसे ही कुछ करते थे एंड दूसरी अप्रोच है कि मैं आ, इसको कुछ नाम दे दूँ सपोज दिस इज़ ए सपोज दिस इज़ पॉइंट बी एंड सपोज दिस इज़ पॉइंट सी है ना मैं ए बी और सी रैंडमली uh, तीन पॉइंट्स बना लेता हूँ और मैं क्या करूँगा कि वैक्टर ए बी निकालूंगा एंड लेट्स ए वैक्टर बी सी निकालूंगा या फिर ए सी निकालूंगा वट एवर द केस मे बी और ए बी और बी सी के बीच में अगर एक रिलेशन है लाइक like, मुझे अगर ए बी इज़ इक्वल टू सम स्केलर क्वांटिटी लेट्स ए लैमडा बी सी मिलता है मतलब ए बी मुझे जो भी वेक्टर मिल रहा है बीसी भी वही वेक्टर मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है ठीक है ना पैरेलल है लेकिन उसमें एक पॉइंट कॉमन है देयरफॉर दे मस्ट बी कोलिनियर है ना वेक्टर uh, के कॉन्सेप्ट में हमने समझा हुआ है कि अगर मुझे कोई एक वैक्टर ए बी इज इक्वल टू सम स्केलर इन ऐसे मिलता है तो हम ए बी एंड बी सी को पैरेलल बोलेंगे बी इज अ कॉमन पॉइंट तो पैरेलल के साथ साथ दे लाई ऑन द सेम लाइन तो पैरेलल के साथ साथ क्या हो गए वो कोलिनियर होगा ये कॉन्सेप्ट आपको जो है ध्यान में रखना है तो दो अप्रोचेज है मैं आपको दोनों अप्रोच बताता हूँ यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास माइनस टू आई प्लस थ्री जे ठीक है इसको मैंने ए मान लिया बी मैं ले लेता हूं आई टू जे थ्री के एंड सी में मान लेता हूं सेवन आई एन नाइन के ठीक है ना अब देखिए हम एक काम करते हैं पहली अप्रोच तो है कि मैं ए और बी पॉइंट लेके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालता हूँ ठीक है ना ये आ, ये अप्रोच नंबर वन या फिर मेथड नंबर वन आप बोल सकते हैं है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू पॉइंट फॉर्म हम लगा लेंगे टू पॉइंट फॉर्म क्या है आर इक्वल्स टू वैक्टर ए प्लस लैमडा टाइम्स वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए है ना यही अप्रोच है हमारी है ना ये ये फॉर्मूला है जो हमने समझा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर मुझे दो पॉइंट्स दी हुई हैं एक स्ट्रेट लाइन है जो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ये फॉर्मुल मैं लिख लेता हूँ आर इज इक्वल टू एक जगह मैंने डाल दिया माइनस टू आई एंड थ्री जे प्लस सम लैम्डा बी बी की जगह मैं ये लिख लूंगा है ना मैं बी माइनस ये डायरेक्टली यहाँ पे निकाल देता हूं बी मुझे कितना है कितना दिया हुआ है आई टू जे थ्री के है ना मैंने इस चीज को बी मान लिया और ए मेरे पास क्या है माइनस टू आई और थ्री जे सब चार्ट करते हैं ये प्लस बन जाएगा ये माइनस बन जाएगा है ना साइन चेंज करते हैं तो टू आई प्लस आई हो जाएगा थ्री आई माइनस थ्री जे एंड टू जे ये हो जाएगा माइनस जे एंड थ्री के एज इट इज रहेगा तो लैमडा टाइम्स मेरे पास थ्री आई जे एंड थ्री के ये मिल गया राइट right. अब क्या करना है अब मुझे ये करना है कि आर यहाँ पे क्या होता है आर इज एनी पॉइंट है ना तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा आर की जगह ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई राइट right. अब अगर ये तीसरा पॉइंट है ना जैसे कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट पी दिस इज पॉइंट सी पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है पॉइंट सी अगर इसी लाइन में लाई करता है तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हमने इलेवेंथ में भी पढ़ा था तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ये R है इस R की जगह सेवन और नाइन को पुट कर देते हैं ठीक है ना उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो मैंने सेवन आई प्लस नाइन के इसको R की जगह पुट कर दिया ठीक है R की जगह पुट करने के बाद मुझे करना क्या है यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है कैसे ऑल आईज टूगेदर मतलब यहाँ पे है माइनस टू और यहाँ पे है थ्री लैमडा आई आ गया ये थ्री जे है यहाँ पे माइनस लैमडा है तो आप लिख लोगे थ्री माइनस ठीक है ना देखिए इस जे का मैंने थ्री ले लिया हुँ? और लैमडा इंटू माइनस वन माइनस लैमडा हो गया इसमें मैंने जे को कॉमन ले लिया मैं डायरेक्टली कर रहा हूं ठीक है ना यहाँ पे के है नहीं तो मैं थ्री लैमडा के यहाँ पे अलग से लिख दूंगा बात समझ में ही? अब देखिए इसके बाद कंपेयरिंग द कोफिशंट ठीक है ना हम कोफिशंट को कंपेयर करेंगे तो आई एंड आई मस्ट मैच इसका ये मतलब है माइनस टू प्लस थ्री लैमडा मस्ट बी इक्वल टू जो आई वाला यहाँ पे पोर्शन है देखिए यहाँ पे आई के साथ है माइनस टू प्लस लैमडा यहाँ पे आई के साथ है सेवन तो माइनस टू प्लस थ्री लैमडा मस्ट बी इक्वल टू सेवन ये हमने लिखा देखिए टू को मैं यहां शिफ्ट करता हूँ थ्री लैमडा इज इक्वल टू सेवन प्लस टू टू इधर आएगा तो ये प्लस टू बन जाएगा ठीक है यानी इसका मतलब लैमडा कितना हो गया नाइन अपॉइंट थ्री थ्री ये मुझे मिल गया अब जे यहाँ पे जे तो है नहीं है ना जे नहीं है तो मैं क्या करूंगा जीरो जे लिख सकता हूं जे नहीं है मतलब जीरो जे तो थ्री माइनस लैमडा इज़ इक्वल टू देखिए यहाँ पे जे का कोफिशियंट थ्री माइनस लैम्डा यहाँ पे जे का कोफिशियंट जीरो तो थ्री माइनस लैम्डा मुझे क्या मिलना चाहिए जीरो यानी लैमडा मुझे कितना मिलना चाहिए थ्री मिलना चाहिए देखिए यहाँ भी थ्री मिला यहाँ पे भी थ्री मिला ठीक है अब तीसरी चीज यहाँ पे के का कोफिशियंट नाइन ठीक है के का कोफिशियंट थ्री लैमडा तो नाइन मस्ट बी इक्वल टू थ्री लैमडा यानी लैमडा कितना होना चाहिए नाइन अपॉन थ्री यानी कि थ्री तो देखिए मैंने आई को कंपेयर किया जे को कंपेयर किया के को कंपेयर किया तीनों ही केस में मुझे लैमडा कितना मिला थ्री मिला तो देरफोर ये जो तीसरा पॉइंट है इट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ठीक है इतना समझ में आए तो ये पहली अप्रोच आपने देखी इसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट आप लैमडा की जो तीन वैल्यूज निकालोगे व्हेन कंपेयरिंग आई जे एंड के ये लैमडा की वैल्यूज सेम आनी चाहिए हमेशा है ना यहाँ पे हमने देखा तीनों ही केस में चाहे मैं आई को कंपेयर कर रहा हूँ जे को कंपेयर कर रहा हूँ या के को कंपेयर कर रहा हूँ मेरे को लैमडा की वैल्यू थ्री ही मिल रही है सो दिस वॉज वन ऑफ द मैथड एंड मैं आपको सेकेंड अप्रोच भी बता देता हूँ सेकेंड अप्रोच वही कोलीनियरिटी वाली है ना जो वेक्टर्स का मेथड है कि सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड सपोज दिस इज पॉइंट बी एंड सपोज दिस इज पॉइंट सी देन मैं क्या करता हूँ ए बी की इक्वेशन निकालता हूँ है ना सपोज ए बी मैंने ए बी की इक्वेशन निकाली तो ए बी वेक्टर ए बी इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है ना हमेशा जो बाद में आता है वो पहले लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस Position vector of A. Position vector of B is I plus two j plus three k i plus two j plus three k yam nili clear position vector of b minus position vector of a is minus two i and three j. Okay? Open the bracket. दिस बिकम्स आई टू जे मैं कैप नहीं लगा रहा हूं ठीक है लेकिन आपको ध्यान रखना है ईच एंड एवरी स्टेप में कैप लगाना है ठीक है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस थ्री जे ठीक है ये हो गया अच्छा अब आई एंड आई टूगेदर तो ये हो गया आपका आई प्लस टू आई विल बी थ्री आई तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैक्टर ए बी थ्री आई अच्छा जे टू जे माइनस थ्री जे तो माइनस जे बचेगा मेरे पास एंड जे इज डन थ्री के ठीक है दिस पार्ट इज डन अच्छा ए बी हमने निकाल लिया नाओ अब मुझे क्या करना है ए बी में निकाल चुका हूं मेरे पास चॉइस है या तो मैं बी सी निकालू या तो फिर मैं ए सी निकालू ठीक है लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखना अगर मैं ए से बी की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं ए से सी की तरफ ही मूव करूं या बी से सी की तरफ मतलब इट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन लेने से होता है क्या है कि आपको रिजल्ट कंपेरेबल रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन एक माइनस साइन आ जाएगा ठीक है ना <coughs> तो बी सी निकाल लेते हैं ना आप ए सी निकाल के ट्राई कर सकते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी बी सी एज पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी नाउ सी की पोजिशन क्या है सेवन आई नाइन के एम सॉरी बी की क्या है आई टू जे थ्री के ओपन द ब्रैकेट ये आपको मिल जाएगा सेवन आई प्लस नाइन के माइनस आई माइनस टू जे माइनस थ्री के ठीक है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है ठीक है ये हमने बी सी निकाला अब देखिए यहाँ पे सेवन आई माइनस आई इज सिक्स टाइम्स आई अच्छा जे के साथ तो कोई है ही नहीं तो हम सीधे सीधे माइनस टू जे लिख लेते हैं दिस पार्ट ये मुझे मिल गया ठीक है तो ये हमने ए बी और बी सी तो निकाल लिया अब मुझे देखना है कि क्या दोनों के बीच में कोई स्केलर का रिलेशन है मतलब इसमें कुछ स्केलर अगर यहाँ पे मुझे देखना है यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ यहाँ पे टू कॉमन आ रहा है एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे टू कॉमन लेता हूँ टू कॉमन लेता हूं टू थ्री जिक्स तो ये थ्री आई बन गया टू वन ज टू तो ये जे बन गया टू 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 थ्री तो थ्री बन गया ठीक है ना ये आ गया अब देखिए टू इज स्केलर ये एक नंबर है आप इसको छोड़ दीजिए ये जो अंदर वाला पोर्शन है क्या ये इससे मैच कर रहा है बिल्कुल मैच कर रहा है देखिए वो भी 3i jn3 के है ये भी 3i jn3 के है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखिए ab जो मुझे मिला bc जो मुझे मिला मैं इस 3i j और 3k की जगह क्या लिख सकता हूं 2 ab है ना इसका ये मतलब है कि bc इज व्हाट ट ए बी इसका मतलब बी सी एंड ए बी आर पैरेलल ठीक है ना वेक्टर का रूल यही कहता है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो सम स्केलर मल्टीप्लाइड बाय इट अगर एक स्केलर का ही डिफरेंस uh, है और अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं एक स्केलर मल्टीपल के uh, साथ तो फिर वो दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं पैरेलल होते हैं अब ये दोनों क्या हो गए पैरेलल पैरेलल हो गए लेकिन इसमें देखिए एक पॉइंट कॉमन है एंड दैट इज बी अगर एक पॉइंट कॉमन है तो इसका ये मतलब है कि ये आ, क्या होना चाहिए कोलिनियर होना चाहिए तो आप वो रीजन लिख के रीजनिंग लिख के आप लिख सकते हैं देरफोर ए बी एंड सी आर कोलिन ठीक है ना तो ये हमारी दो अप्रोचेज थी कोलिनियर प्रूव करने की इतना समझ में आया अब देखिए ये कोलिनियर हमको क्या दिया हुआ था जैसे वैक्टर पोजिशन वैक्टर्स दिए हुए थे और हमें कोलिनियर प्रूव करना था ठीक है ना अगर हमें कार्टिशियन पॉइंट दिया होता और हमें कोलिनियर प्रूव करना होता तो अगेन आप क्या कर सकते थे यही इक्वेशन uh, वाली अप्रोच है ना आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए और उसमें फिर थर्ड पॉइंट को पुट कर दीजिए वो वाली अप्रोच आप लगा सकते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं लेट्स से आपको माइनस वन थ्री एंड टू सपोज ये कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ दूसरा दिया है दूसरा पॉइंट दिया माइनस फोर टू माइनस टू एंड तीसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है लेट्स से 5, 5 एन 10, ठीक है आपको बोला है कि प्रूफ थी थी आप करेंगे क्या? इसमें से कोई भी अपनी मर्जी फर्स्ट टू पॉइंट्स ले लिया अब ये दो पॉइंट लेके आप क्या कीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लीजिए फॉर्मला क्या है एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस y1 वाई वन वाई टू माइनस z1, z1. ठीक है तो मैं इसमें से किसी को भी लेट्स से दिस इज x1 y1 एंड z1 एंड लेट्स से दिस इज x2 y2 एंड z2 ठीक है ना तो मैं रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर लेता हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएंगी मुझे मिल जाएगा x माइनस नाउ एक्स वन की जगह मैं क्या डाल दूंगा माइनस वन ये प्लस वन बन जाएगा अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी माइनस फोर माइनस माइनस वन ये प्लस वन बन जाएगा ठीक है ध्यान रखना है एक्स टू है माइनस फोर माइनस माइनस वन हो जाएगा प्लस वन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इच एंड एवरी स्टेप नहीं कर रहा हूँ वाई टू माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन आम सॉरी तो ये वाई माइनस नाउ वाई वन इज थ्री नीचे आ जाएगा वाई टू विच इज टू माइनस ई वन एंड दट इज थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन की जगह टू डाल देंगे और नीचे आ जाएगा जेड टू विच इज माइनस टू एंड जेड वन विच इज टू ठीक है ये हो गया मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन नीचे आ जाएगा माइनस फोर प्लस वन यानी कि माइनस थ्री वाई माइनस थ्री यू गेट टू माइनस थ्री विच इज माइनस वन जेड माइनस टू अपॉन माइनस टू माइनस टू माइनस फोर ये हमारा इक्वेशन आ गया राइट right? अब देखिये इक्वेशन तो आ गई ये तीसरा पॉइंट बचा हुआ है तीसरा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप लिख देंगे फॉर द थर्ड पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स की जगह फाइव वाई की जगह भी फाइव और जेड की जगह टेन वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये बैलेंस हो रहा है तो फाइव प्लस वन सिक्स अपॉन माइनस थ्री वाई की जगह मैंने क्या डाल दिया फाइव तो हम लिख लेंगे फाइव माइनस थ्री एंड माइनस वन z की जगह मुझे क्या डालना था टेन तो हम लिख लेंगे टेन माइनस टू अपॉन माइनस फोर अब देखते हैं हमें क्या मिलता है ना माइनस थ्री अपॉन सिक्स थ्री टू जो सिक्स तो ये नेगेटिव टू मिल जाएगा मुझे ठीक है ना यहाँ पे देखिए फाइव माइनस थ्री टू और नीचे माइनस वन है तो ये भी माइनस टू बन गया टेन माइनस टू इज एट एट अपॉन फोर होता है टू लेकिन माइनस है तो ये भी माइनस टू बन गया तो देखिए तीनों वैल्यूज आपको क्या मिल रही है माइनस टू माइनस टू माइनस टू मतलब बैलेंस हो रहा है देर फोर थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर तो अगर कार्टिशन इक्वेशन मिलती है तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं ठीक है ना इतना समझ में आया और देखिए आपको आ, इसी लाइन के कॉन्सेप्ट आपको क्या क्वेश्चन मिल सकता है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन लाइन आपको दिया हुआ है एक्स प्लस टू upon three y plus one upon two z minus three upon two do you get? find the points on the line this do you get Joey equation do get? Uh, at a distance. At a distance five units, taken at a distance five units from the point, at a distance five units from the point one, three, three. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो हम समझते हैं क्वेश्चन दी हुई है ठीक है ना औरॉन टू एंड जेड माइनस थ्री अपॉन टू ठीक है ये लाइन दिया हुआ है इस लाइन की अब आपको बोला है कि मुझे इस लाइन में वो पॉइंट निकालना है या वो पॉइंट्स निकालने हैं जिसका इस पॉइंट से अब रैंडमली मान लीजिए ये कोई भी एक पॉइंट है लेट्स से वन थ्री एंड थ्री तो आपको बोला है इस लाइन में वो पॉइंट ढूंढो जिसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए फाइव यूनिट्स होना चाहिए अब एक पॉइंट तो नहीं होगा दूसरा पॉइंट भी हो सकता है हो सकता है ठीक है ना तो पॉइंट uh, point या पॉइंट्स जो भी आपको uh, मिले जो कि कितने डिस्टेंस पे हो फाइव यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए तो आपको यह क्वेश्चन बोला हुआ है अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे uh... सबसे पहले तो ये जो लाइन है आपको एक चीज बता दूं एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन है ना यहां पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है लेकिन उसके पहले मुझे इस लाइन का कोई एक जनरल पॉइंट निकालना है अब देखिए वो कैसे करेंगे एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन ठीक है ना एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन कैसे निकालेंगे हम मान लीजिए मैंने इज इक्वल टू लैमडा पुट किया या के पुट किया या कुछ भी पुट किया वाट्स एवर है ना लैमडा पुट कर लेते हैं बिकॉज के जो है फिर वो यूनिट वेक्टर के में कन्फ्यूजन होता है तो अब देखिए एक्स प्लस टू अपॉन को मैं लैमडा से कंपेयर करता हूँ तो थ्री लैमडा यानी कि एक्स कितना हो गया थ्री लैमडा माइनस टू तो मुझे एक्स कितना मिल गया इसी तरीके से हम वाई निकालते हैं तो देखिए टू लैमडा माइनस वन है ना आप इसके साथ नीचे वाले नंबर के साथ लैमडा लगाइए ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज करके लिख दीजिए नीचे वाले नंबर के साथ लैमडा लगाइए ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज करके लिख दीजिए ठीक है तो एक्स वाई जेड मुझे मिल गया यहां तक समझ में आ गया आगे क्या करना है तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन विल बी है ना ये एक्स वाई जेड मुझे मालूम है पॉइंट हमेशा एक्स वाई जेड इस फॉर्म में होना चाहिए एक्स की वैल्यू कितनी ठीक है ना तो दिस इज द पॉइंट तो ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो दैट दट ये पॉइंट या ये पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं अब इस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस किससे निकालना है वन थ्री थ्री से अब उसके लिए मैं क्या करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला ठीक है डिस्टेंस फॉर्मुला इलेवंथ में क्या हुआ है अगर भूल गए हैं तो मैं एक बार फिर से बता दूं डिस्टेंस पी क्यू अगर पी क्यू इज द डिस्टेंस तो डिस्टेंस पी क्यू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एंड जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है ठीक है ना तो मैं वन थ्री थ्री चाहे तो इसको एक्स वन वाई वन जेड वन ले लू और इसको X2, Y2, Z2 ले लूं या फिर अदे वे इसको एक्स वन तो लिखो या एक्स वन माइनस एक्स टू लिखो आंसर कभी भी वेरी नहीं करता है तो मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकालना है वन कॉमा थ्री कॉमा थ्री से अब देखिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देर फोर डिस्टेंस डी कितना होना चाहिए रूट ऑफ मैं इसको x2 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा है ना आप चाहे तो इसको x1 भी ले लीजिए थ्री लैमडा माइनस टू है ना x2 टू माइनस एक्स यानी कि मैं माइनस वन लिख लूंगा और होल स्क्वायर कर दूंगा बात समझ में y2 मैं इसको लिख लेता हूं माइनस वाई वन यानी कि माइनस थ्री लिख लूंगा होल स्क्वायर कर दूंगा z2 यानी कि टू लैमडा प्लस थ्री माइनस जेड वन यानी कि वापस थ्री होल स्क्वायर कर दूंगा ये सारा का सारा किसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है ठीक है ठीके? बात समझ में आई अच्छा अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा थ्री लैमडा माइनस टू माइनस वन यानी कि थ्री लैमडा माइनस थ्री है ना माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री होल स्क्वायर आगे बन जाएगा टू लैमडा माइनस वन माइनस थ्री विल बी माइनस फोर विद स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल थी ये सिर्फ सिर्फ टू लैमडा का होल स्क्वा बचेगा सारा का सारा रूट के अंदर आगे देखिए अब मुझे सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऐसे तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर सकता हूँ मेथड या फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ थ्री कॉमन ले सकता हूँ लेकिन ध्यान रहे थ्री कॉमन ले रहा हूँ स्क्वायर से तो वो नाइन बनेगा बाहर आके ठीक है ना आप यहाँ पे अगर थ्री कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा थ्री लैमडा माइनस वन लेकिन बाहर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर थ्री को भी मिलेगा इसको भी मिलेगा तो ये हो जाएगा नाइन टाइम्स होल होल स्क्वायर, ठीक है? या फिर आप क्या कीजिए सिंपली सिंपली थ्रीडाइनस थ्री होल स्क्वायर, इसमें इज लगा दीजिए ये सब झंझट करने से ज्यादा अच्छा है है ना? तो हम क्या करेंगे than and our time, आप इसको सॉल्व कर लीजिए गड़बड़ होने के चांस कम हो जाएंगे तो थ्री लैमडा का स्क्वायर यानी नाइन लैमडा स्क्वायर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू ए बी टू थ्री सिक्स 18 है ना? Done, है, ना? Square. Square square, है ना ये हो गया दिस पार्ट इज डन ए माइनस बी होल स्क्वायर स्क्सू एस बी ना ये फॉर्मुला हम यहाँ पे इसमें 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 तीनों में है ना इसमें लगा रहे हैं इसमें तो है ही नहीं ए माइनस बी तो टू लैमडा माइनस फोर का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी कि टू लैमडा का स्क्वायर फोर लैमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू ए बी टू टू 4 फोर एंड फोर फोर जिक्सा हो गया टू लैमडा का स्क्वायर फोर लैमडा स्क्वायर हो गया ये सारा का सारा किसके अंदर है रूट के अंदर है ठीक है सिंप्लीफाई

क्या बचा हमारे पास नाइन और सिक्सटीन बच गया तो सिक्सटीन है डिस्टेंस डिस्टेंस दिस इज़ डी जो कि हमने निकाला था लेकिन क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या बोला था ये डिस्टेंस कितना है दिस डिस्टेंस इज फाइव यूनिट्स मतलब ये जो डिस्टेंस है ये जो डी है ये कितना है फाइव है दैट मीनस फाइव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेवनटीन लैमडा स्क्वायर ठीक है अब रूट हटाएंगे स्क्वेरिंग बोथ साइड स्क्वेरिंग बोथ साइड यहाँ पे 5 का स्क्वेर 25 हो जाएगा रूट हट जाएगा ये हो जाएगा 17 लैम्ब्डा स्क्वेर 34 लैम्ब्डा एंड 25 अब देखिए यहाँ पे भी 25 है यहाँ पे भी 25 है आप अगर इस 25 को वहाँ ले जाते तो माइनस हो जाता राइट तो मेरे पास सेवेंटीन लैमडा स्क्वायर माइनस थर्टी फोर लैमडा ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मैं इक्वल्स टू जीरो लिख लूंगा बात समझ में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कैंसिल कैसे हुआ देखिए ट्वेंटी फाइव उधर जाएगा तो ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव बनेगा वो कैंसिल यानी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जीरो बचेगा तो इसलिए हमने ये लिखा लैमडा एफ आई टेक लैमडा कॉमन ही हो जाएगा सेवनटीन लैमडा एल टेक कॉमन ठीक है ना सेवनटीन लैमडा मैं कॉमन लेता हूँ तो यहां पे बच गया मेरे पास लैमडा माइनस सेवनटीन टू सा तो इधर 17 लैमडा इज इक्वल टू जीरो और लैमडा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो विच मीन्स मुझे या तो लैमडा जीरो मिलेगा या तो लैमडा टू मिलेगा लैमडा की दो वैल्यूज मिल गई अब मुझे क्या करना है पॉइंट निकालने हैं अब देखिए Uh, मैंने पॉइंट क्या लिया हुआ था थ्री लैमडा माइनस टू ठीक है ना थ्री लैमडा माइनस टू टू लैमडा माइनस वन एंड टू लैमडा प्लस थ्री ठीक है ना एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर है ना थ्री लैमडा माइनस टू टू लैमडा माइनस वन टू लैमडा प्लस थ्री ये हमने ज्यूम किया था अब मैं लैमडा की वैल्यू एक बार जीरो पुट करूंगा मुझे एक पॉइंट मिलेंगी एक बार टू पुट करूंगा मुझे दूसरी पॉइंट मिलेंगी व्हेन आई पुट जीरो खत्म हो जाएगा तो मुझे माइनस टू मिलेगा व्हेन आई पुट जीरो खत्म हो जाएगा ये माइनस वन मिलेगा जीरो तो सिर्फ थ्री बचेगा तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया माइनस टू माइनस वन एंड थ्री दूसरी वैल्यू कैसे मिलेगी मैं लैमडा की जगह टू पुट कर दूंगा तो देखिए मैं डायरेक्टली करता हूँ टू पुट किया तो थ्री टू जिक्स एंड सिक्स माइनस टू टू पुट किया टू टू ज फोर फोर माइनस वन टू पुट किया टू टू ज फोर फोर प्लस थ्री तो मुझे आंसर क्या मिल गया इधर इट इज माइनस टू माइनस वन एंड थ्री और इट इज फोर थ्री एंड सेवन ठीक है यहां तक समझ में आ गया